हेलो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर का आज का हमारा टॉपिक है संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र। इससे पूर्व हम संसाधनों का वर्गीकरण अध्ययन कर चुके हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, तो आज हम अध्ययन करेंगे संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम अर्थ तो समझ ही चुके हैं कि संसाधन भूगोल किसे कहते हैं। संसाधन भूगोल धरातल पर मानवीय संसाधन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के उद्भव, वितरण तथा संसाधनों के संरक्षण, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं, उस विषय को ही हम संसाधन भूगोल के नाम से जानते हैं। अब संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र हम अध्ययन करेंगे, तो संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, तो देखिए भूगोल की अन्य शाखाओं की भांति, भूगोल की अन्य सभी शाखाओं की भांति संसाधन भूगोल का भी एक निश्चित विषय क्षेत्र है। भूगोल की अन्य सभी शाखाओं की भांति संसाधन भूगोल का भी एक निश्चित विषय क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा उपयोग किया जाता है और इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के उद्भव, वितरण और संरक्षण, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत संसाधनों के उद्भव, वितरण और किस प्रकार से किसी जन की भौगोलिक क्षेत्र में संसाधनों का संरक्षण किस भांति किया जाए, इन सभी का अध्ययन हम संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले देखिए संसाधनों का जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उद्भव और वितरण, दूसरा है मानवीय संसाधन, तीसरा है संसाधनों का उपयोग, चौथा है संसाधनों का संरक्षण, ये सभी संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव और वितरण, यानी कि जो भूगोल की प्रारंभिक विषय वस्तु है उसमें हम प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, उद्भव और संरक्षण, इनका अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भूगोल की जो विषय वस्तु है उसका पहला है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव और वितरण। तो प्राकृतिक संसाधनों की प्रारंभिक विषय वस्तु में हम प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव और वितरण पढ़ेंगे। तो उद्भव और वितरण में सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन है हमारा जल। इस जल का देखिए सबसे पहले हम जब जल का अध्ययन करेंगे तो हमारे पृथ्वी के धरातल पर जो जल का उद्भव और वितरण हम अगर अध्ययन करें तो पृथ्वी के धरातल पर जल है वो महासागर, किसके रूप में पाया जाता है, महासागरों, झीलों, नदियों, तालाबों आदि के रूप में पाया जाता है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का सबसे पहले जब उद्भव और वितरण का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं जल का। तो जल है वो किस रूप में पाया जाता है, जल का वितरण पृथ्वी के धरातल पर अगर हम देखें तो महासागरों, नदियों, झील, तालाब आदि के रूप में पाया जाता है। दूसरा है हमारा भूमि व मृदा। भूमि व मृदा का जब हम अध्ययन करते हैं तो जो पृथ्वी के ऊपरी भाग है उसे हम भूमि के नाम से जानते हैं, और यह विभिन्न जो भूमि से ही मिलकर के मृदा का निर्माण होता है, मृदा मुख्य रूप से जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर बनी हुई है। मृदा की परिभाषा, मृदा धरातल की वह ऊपरी परत है जो चट्टानों से टूटे हुए कण और वनस्पति के ह्यूमस से निर्मित होती है, वही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है, और इस मृदा पर हमारा संपूर्ण जैव जगत निर्भर करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जैव जगत मृदा से अपना आहार प्राप्त करता है, तो इसीलिए मृदा का वितरण किस प्रकार से किया गया है, इन सभी चीजों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तीसरा है खनिज। खनिज के रूप में किस प्रकार से, देखिए खनिजों को तीन भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा शक्ति वाले खनिज। खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। खनिजों के अंतर्गत जैसे कहते किसे खनिज, पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाले वे सभी पदार्थ जिन्हें भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से पृथक करके प्राप्त किया जाता है उन्हें हम खनिज कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाले वे सभी पदार्थ जिन्हें भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से पृथक करके अलग करके जब प्राप्त करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, खनिज के नाम से जानते हैं। खनिजों के तीन प्रकार हैं। खनिजों के कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार, कौन कौन से, धात्विक खनिज,
दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा खनिज। खनिजों को तीन भागों में बांटा है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। जब इन खनिजों के हम वितरण का अध्ययन करते हैं तो धात्विक खनिजों के अंतर्गत वे खनिज आते हैं जिनमें धातु की मात्रा विद्यमान होती है, उन्हें हम धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं, जैसे सोना, तांबा, चांदी, लोहा, ये सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा का अभाव पाया जाता है, इनकी धातु की मात्रा का इनकी धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, ऐसे खनिजों को हम अधात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। पायराइट है, बॉक्साइट है, ये एल्यूमिनियम है, ये सभी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा शक्ति वाले खनिज, वे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें हम ऊर्जा शक्ति वाले खनिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से खनिजों को हम तीन भागों में बांटते हैं, जब खनिजों का वितरण अध्ययन करते हैं, तीन भाग हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा शक्ति वाले खनिज। इसके बाद में आता है हमारा वनस्पति। वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे, झाड़ियां, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति के अंतर्गत क्या आते हैं? वनस्पति का जब हम वितरण अध्ययन करते हैं तो वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे, झाड़ियां, इन सभी के वितरण का हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद जीव जंतु, वे पदार्थ जिनका एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है, उन्हें जैविक संसाधन के नाम से जानते हैं, जिसमें जीव जंतु आते हैं। जीव जंतुओं के अंतर्गत कौन कौन से जीवों का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से विषय क्षेत्र में सबसे पहला जो प्रारंभिक विषय वस्तु है संसाधन भूगोल की, वो प्रारंभिक विषय वस्तु है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव और वितरण, जिसके अंतर्गत जल, जल धरातल पर किस रूप में पाया जाता है, इनकी जल का वितरण किस रूप में, महासागरों, नदियों, झील, तालाब आदि के रूप में जल का वितरण पाया जाता है। मृदा, मृदा इनकी तत्व जो संपूर्ण जैव जगत है इस मृदा पर निर्भर है और विभिन्न प्रकार के जैविक अजैविक तत्वों के संगठन से ये मिलकर बनी हुई है। इसके बाद खनिज, खनिजों को तीन भागों में बांटा है। खनिज कहते किसे? पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाले वे सभी पदार्थ जिन्हें भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से पृथक करके प्राप्त किया जाता है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिज तीन प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और अणुशक्ति वाले या ऊर्जा शक्ति वाले खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा विद्यमान होती है। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा का अभाव पाया जाता है। ऊर्जा शक्ति वाले खनिज वे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से खनिजों का वितरण पाया गया है। इसके बाद वनस्पति, वनस्पति के अंतर्गत हम पेड़ पौधे, झाड़ियां, इन सभी का अध्ययन करते हैं। जीव जंतुओं के अंतर्गत जो जीव जंतु पाए जाते हैं पृथ्वी के धरातल पर, उनका हम अध्ययन करते हैं, जैसे पशु, गाय, बैल, मछली, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद में मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन के अंतर्गत देखिए, मानवीय संसाधन के अंतर्गत किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण, वृद्धि, घनत्व, संस्कृति, कौशल आदि का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। मानवीय संसाधन के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे हम? मानवीय संसाधन के अंतर्गत किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जनसंख्या का, वहां की जनसंख्या वृद्धि कैसी है, वहां का जनसंख्या घनत्व कितना है और वहां के जो जनसंख्या, वहां की जो संस्कृति है वो कैसी है, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। मानवीय संसाधन के अंतर्गत संस्कृति, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को भी शामिल किया गया है, यानी कि मानवीय संसाधनों के अंतर्गत किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि आदि के गुणात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति को भी मानवीय संसाधन के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र की प्रौद्योगिक, जो प्रौद्योगिकी की विकास है, उसको भी हम मानवीय संसाधन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत जनसंख्या की वितरण, वृद्धि, घनत्व, इन कितने प्रतिशत भाग पर जनसंख्या फैली हुई है और किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है और उसका वहां का घनत्व कितना है और उस क्षेत्र की संस्कृति कैसी है और कौशल का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आता है तीसरा, संसाधनों का उपयोग। तो मानव संसाधनों का उपयोग करता है क्योंकि संसाधन
किस श्रेणी में कौन से पदार्थ पृथ्वी में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वही तो संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो मानव संसाधनों का उपयोग करता है, किस भांति उपयोग करता है, क्योंकि अगर किसी भी पदार्थ का अगर मानव उपयोग नहीं करेगा तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा, और अगर मानव उनका उपयोग करता है तभी जाकर तो उसे हम संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। तो संसाधनों का उपयोग किस भांति करता है, जो ये प्राकृतिक संसाधन है इन सभी का उपयोग, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव किस भांति करता है, इसका अध्ययन हम संसाधनों के उपयोग के अंतर्गत करते हैं। तीसरा विशेषित संसाधनों का उपयोग, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का मानव किस भांति उपयोग करता है, इसका अध्ययन हम संसाधनों के उपयोग के अंतर्गत करते हैं। जैसे जल है, सबसे पहला जल, अब जल का उपयोग किस भांति करता है, तो पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले कुल जल का केवल 2% भाग ही मानव के लिए उपयोगी है। कितने प्रतिशत भाग, 2% भाग, जो जल का जो 2% भाग है वो ही मानव के लिए उपयोगी है, वरना जो अन्य जल है वो महासागरों के रूप में या हिम के रूप में जमा पाया, यानी कि पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, महासागरों के रूप में है या हिम के रूप में है, और कितने प्रतिशत उपयोगी मानव के लिए, केवल 2% उपयोगी मानव के काम में आता है, 2% जल है वो मानव के काम में आता है। और इसका उपयोग भी मानव कृषि कार्यों के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए, घरेलू कार्यों के लिए करता है। यानी कि जल का उपयोग, संसाधनों का उपयोग के अंतर्गत हम सबसे पहले जल का उपयोग कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर विद्यमान कुल जल का केवल 2% भाग ही मानव के लिए उपयोगी है। इस जल का उपयोग भी मानव कृषि कार्यों के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, इन सभी कार्यों के लिए इसी काम में लेता है। और जो अन्य जल का भाग है वो कैसे है, महासागरों के रूप में पाया जाता है या बर्फ के रूप में जमा है। इसके बाद दूसरा है हमारा मृदा। तो मृदा आप बता ही दिया, मृदा धरातल की वह ऊपरी परत है जो चट्टानों से टूटे हुए कण और वनस्पति के रूप में पाई, वनस्पति के ह्यूमस से निर्मित है, मृदा कहलाती है। और मृदा पर संपूर्ण जैव जगत निर्भर है, क्योंकि कृषि कार्यों के लिए हमें मृदा की आवश्यकता पड़ती है, पशुओं को चारा उगाने के लिए हमें मृदा की आवश्यकता पड़ती है, तो पशुपालन के लिए, कृषि कार्यों के लिए हमें मृदा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस मृदा का किस प्रकार से उपयोग करते हैं, कृषि कार्यों के लिए, पशुओं के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मृदा जैव जगत का आधार होती है। तीसरा आता है हमारा खनिज। खनिजों के अंतर्गत हम अगर संसाधनों का उपयोग पड़े तो खनिज को आज औद्योगिक सभ्यता की भी माना जाता है। आधुनिक विकास का युग खनिजों के कारण ही, यानी कि खनिजों को आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों में कच्चे माल के रूप में हम खनिजों का उपयोग करते हैं। वनस्पति है, वनस्पति का उपयोग किस भांति करते हैं, वनस्पति का उपयोग मानव कंद मूल फल, वनस्पति से क्या प्राप्त करते हैं, कंद मूल फल लकड़ी, इस प्रकार से वनस्पति का उपयोग मानव कंद मूल फल लकड़ी इत्यादि के लिए करता है। इसके बाद आता है जीव जंतु। जीव जंतुओं से मानव को क्या प्राप्त होता है, देखिए जीव जंतुओं से मानव के लिए भोज्य पदार्थ की प्राप्ति भी होती है। प्राचीन काल से ही पशु पालन, यानी कि मानव और पशुओं के बीच में गहरा संबंध रहा है। प्राचीन काल में मानव आखे के माध्यम से पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करता था, और धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ मानव पशुओं को पालने लगा, और अब पशुपालन के बाद में पशुओं से दूध प्राप्त होता है, खाल मांस चमड़ा, और इसके अलावा मछलियों से हमें भोज्य पदार्थ की भी प्राप्ति होती है। तो पशुओं से हमें भोज्य पदार्थ की भी प्राप्ति होने लगी है। इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग किया जाने लगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा भी आती है जो कभी न समाप्त होने वाला संसाधन है। इस प्रकार संसाधनों का उपयोग मानव करता है। अब अगला आता है हमारा चौथा विषय क्षेत्र, संसाधनों का संरक्षण। भाई हम संसाधनों का उद्भव वितरण अध्ययन कर चुके हैं, संसाधनों का उपयोग फिर इनका प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस भांति कर रहे हैं मानव। अब इन संसाधनों का उपयोग कर तो रहा है मानव, लेकिन इन संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि मानव प्राचीन काल से ही मानव और संसाधनों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, लेकिन मानव अपने बुद्धि विवेक का आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहा है, इसलिए संसाधनों का भी अधिक से अधिक विदोहन करने लगा है, जिससे संसाधनों यानी जो पर्यावरणीय तत्व है उनका ह्रास होने लगा है और हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस होने लगी है। तो संसाधन संरक्षण से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसका
अर्थ होता है संसाधनों का समुचित उपयोग। क्या होता है? संसाधनों का समुचित उपयोग। और संसाधनों का हम समुचित उपयोग किस भांति करें? तो संसाधनों का समुचित उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि जिसे हम वर्तमान में आवश्यकताओं की जो पूर्ति कर सके तथा भविष्य में भी उन्हें संरक्षित किया जा सके। भविष्य के लिए आगे हम उसे संरक्षित करेंगे और वर्तमान में भी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, तो इसके लिए हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई है, जिसके अंतर्गत संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है, संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, उसका अनुकूल उपयोग किया जाता है और संसाधनों के संरक्षण के लिए उचित नीतियां बनाई जाती हैं। तो संसाधनों के संरक्षण के लिए यानी किसी भी क्षेत्र में जब हम संसाधनों का अध्ययन करते हैं तो संसाधनों का हमें किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि जिसे हम वर्तमान में भी उपयोग कर सके और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सके, इसके लिए हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई है। ये आपका संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र।